सैंड ये एक्चुअली जैसे रॉकेट प्रोपल्सन होता है उस टाइप का क्वेश्चन है. सैंड इज ड्रॉप ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट ए रेट ऑफ MKG पर सेकेंड. ठीक है, ये बेल्ट है, समझ लो ये बेल्ट है. ठीक है, द बेल्ट इस टाइप से कन्वेयर बेल्ट. ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है और ऊपर से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग इस पे सैंड गिरा रहे हैं. ठीक है, इस बेल्ट पे सैंड गिरा रहे हैं और ये बेल्ट मूव कर रहा है. ठीक है, क्लियर है? तो ये जो द सैंड इज बिगनिंग मूव ऑन कन्वेयर बेल्ट 50 kg पर सेकेंड. पर सेकेंड इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, dm/dt पर सेकेंड है ना, तो MKG पर सेकेंड सैंड इस बेल्ट पे गिराया जा रहा है. अब कहता है कि नेसेसरी फोर्स टू कीप द बेल्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर ये सैंड गिरा रहे हैं उसके बावजूद भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी वी से चल रहा है. ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी वी से चल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कितना फोर्स चाहिए. तो आप जो अगर फोर्स लिखोगे तो यहाँ पे जो फोर्स फोर्स लिखोगे वो क्या होता है, एम में, फोर्स इज इक्वल टू एम में. लेकिन ये नहीं लगेगा यार, ये तब लगता था जब मास कांस्टेंट होता था. ठीक है, तो ये नहीं लगेगा, मास कांस्टेंट नहीं है ना भाई. यहाँ पे बेल्ट का मास dm/dt पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है और सैंड का मास dm/dt पर सेकेंड डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद हो या नहीं तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ. एक्चुअल जो फार्मूला फोर्स का है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dm/dt न्यूटन सेकेंड लॉ और dy/dt दैट इज इक्वल टू mv. ठीक है, और mv अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो दो वेरिएबल हैं, मास भी वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है, तो mdv/dt ठीक है और प्लस वी dm/dt, ये दो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल से. ये अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये जो फ्रैक्शन है वो जीरो चला जाएगा, तो यहाँ पर जो फोर्स आ जाएगा वो vdm/dt. अगर आपको पहले से याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो. ठीक है, आपका टाइम बच जाएगा ना, अच्छी बात है. तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा vdm/dt. हमें क्या चाहिए, फोर्स ही तो चाहिए, तो dm/dt m है और वेलोसिटी v है, दैट इज इतना न्यूटन फोर्स लगेगा mv. ठीक है, ये सी ऑप्शन सही है, क्लियर है?